जय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। बच्चा, पिछले वीडियो में हम सभी प्रश्न वाली 4.2 के प्रश्न संख्या 2 तक हल कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे वाले प्रश्न। इसके आगे प्रश्न दे रखा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। देखिए, प्रश्न को पहले समझिए। ऐसी दो संख्या है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम लोग मान लेते 15 और दूसरी संख्या है यहाँ पे 15 और दूसरी संख्या आप सभी को ज्ञात करना है, लेकिन कुल संख्याओं का योग 27 है। अब बताइए दूसरी संख्या क्या होगी? मैंने कहा है कि यदि एक संख्या 15 है, कुल संख्याओं का योग 27 है, तो 15 में क्या जोड़ें 27 आ जाए, या फिर आप लोग कह सकते हैं 27 में से क्या घटाएं कि 15 आ जाए। 27 में से क्या घटाएं कि 15 आ जाए। 12 को घटा दीजिए, यानी 15 में 12 जोड़ दीजिए, 27। प्रश्न को यहाँ से समझिए कि आपको मम्मी और आपके पापा कुल मिलाकर यहाँ पे दे रहे हैं 27 रुपये। ठीक है सर, आपको कुछ सामान खरीदना है, आपके पापा और मम्मी कुल मिलाकर दे रहे हैं 27 रुपये। यदि आपके पापा यहाँ पर देते हैं 10 रुपये, तो मम्मी कुल कितने रुपए दे कि आपको 27 रुपये प्राप्त हो जाए। आप कीजिए, क्या कीजिएगा, 27 में से 10 घटा दीजिएगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पे 17 आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या यहाँ दे रखी है, यहाँ पे कुछ यहाँ नंबर दे रखा है 27, एक संख हमें पता प्राप्त है, तो हम लोग इसमें से इसे घटा देंगे तो बीच वाला तो खुद ही निकल जाएगा। इसी प्रकार इस प्रश्न में कर रखा है, करना है आप सभी को। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है कि कुल मिलाकर तो 100, कुल मिलाकर 27 रुपये हैं और दो संख्या है, लेकिन ये माना कि पहली संख्या बराबर x, यदि पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, हम लोग 27 में से x को घटा दीजिए, है ना, प्राप्त हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे रहता है 2, तो 27 में से 2 को घटा देते हैं, पहली संख्या आ जाती 25, दूसरी संख्या 27। ठीक है, अब आगे दे रखा है कि इन संख्याओं का गुणनफल 182 है। ठीक, तो गुणनफल कर देंगे, x लिखेंगे और इसे लिखेंगे 27 - x, गुणनफल कर दिए और गुणनफल करने पर हमारा उत्तर आ रहा है 182। 27 को 1 से गुना करेंगे 27x - x को 1 से गुना करेंगे तो x² = 182। 182 इधर है प्लस का, इधर लेके आएंगे तो होगा माइनस का। 27x - x² + x² + 182 इधर आएगा तो x - 182 = 0। अब इसे लिख दीजिए मानक रूप में, तो द्विघात समीकरण होता है उसके मानक रूप में से लिख देना है, x² - 27 - x² + 27x - 182 = 0। इसे हमने द्विघात समीकरण के मानक रूप में लिख दी। अब क्या करना है, पिछले प्रश्न जैसा तो हो गया यार, यहाँ पे क्या करना है, 1 को 82 से गुणा करना है, 1 को 182 से गुणा करना है तो कितना होगा 182, और 182 का फैक्टर करना है, फैक्टर करने पर जोड़ने या घटाने पर 27 आए, गुणा करने पर 182 आए, तो यहाँ कर लेते हैं 182। लिखेंगे 2 से लेते हैं, 2 × 18, 2 × 2 3 से जाएगा, 3 × 3 = 7 से जाएगा, 7 × 7, 7 × 21, इसका गुणनखंड आया 2 × 7 = 13। अब इसे हमें एक ऐसी संख्या बनानी है जिसे गुणा करने पर 182 आए, जोड़ या घटाने पर 27 है, तो 7 × 14 यहाँ से आया और 13 × 13, 4 × 3 = 7, 1 × 2 जोड़ने पर तो 27 आ रहा है, गुणा करने पर 182 आएगा, 14 और 13 को गुना किए, 14 × 3 = 42, 14 × 14 182 आ रहा है। तो ठीक है, गुना करने पर 182 आ रहा है, जोड़ने पर 27 आ रहा है, इसे लिख देते हैं 14 और 13 आया। यहाँ पे लिखेंगे
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 13x माइनस 182 बराबर का 0। अब क्या करना है, इसके अलग जोड़ा बनाइए, इसका अलग जोड़ा बनाइए। यहाँ से लिखेंगे एक्स है 2, यहाँ x निकल गया तो अंदर क्या बचा, माइनस एक्स प्लस 14। इसी प्रकार यहाँ पे 13x और माइनस 182, इसमें से यदि हम लोग 13 निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस माइनस प्लस 14। 13 और 14 को गुणा करेंगे तो 182 आएगा, यहीं पर आया था, तो यहाँ पे भी 13 14 182 बराबर 0। यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस, तो माइनस यहाँ पे माइनस लगाना होगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो माइनस एक्स प्लस 14, तो माइनस एक्स प्लस 14 आया, यहाँ से आया एक्स माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से एक बार इसे 0 के बराबर रखिए, एक बार इसे 0 के बराबर रखिए, यहाँ से क्या होगा, माइनस एक्स प्लस का 14 इधर जाएगा, तो माइनस का 14, माइनस से माइनस कट गया, एक्स बराबर 14। इसी प्रकार यहाँ होगा एक्स माइनस का 13 इधर जाएगा, तो प्लस का 13, तो एक्स का मान आया 14 और यहाँ पे एक्स का मान आया 13। तो देखिए यहाँ पे संख्याएं दो प्रकार की हो सकती है। पहली संख्या यहाँ लिख देते हैं उत्तर में कि पहली संख्या बराबर 13, तो दूसरी संख्या क्या होगी, संख्या यदि हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं, यदि पहली संख्या 13 ले लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 में से 13 घटाएंगे तो 14। और यदि या पहली संख्या को हम लोग मानते हैं 14, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 में से 14 घटाएंगे तो दूसरी संख्या आएगी हमारी 13। तो इसका उत्तर दो प्रकार हो सकता है, 13 14 या फिर 14 या 13। प्रश्न संख्या 3 था, प्रश्न संख्या 6 रखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अब पूर्णांक क्या होते हैं, प्रश्नवली 4.1 में आप सभी को बताया था। देखिए पूर्णांक होते हैं धनात्मक और ऋणात्मक, दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती है। तो यहाँ पे दे रखा है धनात्मक पूर्णांक, हमें धनात्मक पूर्णांक यानी प्राकृतिक संख्या आप लोग मान सकते हो, जो प्राकृतिक संख्या है उसे ही धनात्मक पूर्णांक यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 उसे ही धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब धनात्मक पूर्णांक वर्ग दे रखा है, पहले तो क्रमागत दे रखा है, तो क्रमागत यानी बताइए, 3, 3 के बाद 4, 4, 4 के बाद 5, तो जो संख्याएं लिखी जाती है वो लगातार क्रमागत में ही लिखी जाती है, जैसे 1, 2, 3, 4 ये क्रमागत में है, 3 के बाद 5 लिख दिए क्रमागत है, नहीं हुआ, 3 के बाद 4 ये क्रमागत है। तो क्रमागत का मतलब है कि ठीक उसके बाद वाली संख्या, ठीक है, और बाद वाली संख्या का मतलब क्या है कि इसमें एक जोड़ दो। यदि आपसे पूछा जाए कि 100 के बाद क्या होगा, तो 100 में एक जोड़ दीजिए, 101 हो जाएगा। 101 के बाद क्या होगा, 101 में एक जोड़ दीजिए, 102 होगा। 102 के बाद क्या होगा, 102 में एक जोड़ दीजिए, 103 होगा। तो बाद वाली संख्या में क्या होता है, एक जोड़ दिया जाता है। तो इसी प्रकार इसमें लिख लेंगे हम, लिखेंगे माना कि प्रथम संख्या बराबर x है, यदि प्रथम संख्या x हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, क्रमागत दे रखा है तो x है, उसमें एक जो भी संख्या होगी उसके अगली वाली संख्या होगी, क्रमागत यानी उसकी अगली वाली संख्या जो दूसरी संख्या होगी ठीक उसके बाद वाली, तो उसमें एक जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। अब दे रखा है कि जो संख्याओं का वर्ग का गुणनफल, सॉरी गुणनफल नहीं, वर्गों का योग दे रखा है, तो यहाँ करते हैं पहले इसके वर्ग कर लेते हैं, x वर्ग और x प्लस 1 का वर्ग और उसका योग कितना दे रखा है, 365 हो।
365 के बराबर कर दिया। अब इसे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर, इसे आप लोग कर सकते हो, प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यही होता है। इसमें लिख देना है ए का मान यहाँ पे कितना है एक्स, और बी का मान यहाँ पे है एक, ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है एक, तो एक का स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो पहले टू लिख दीजिए, ए को माना है एक्स तो एक्स, बी को माना है एक तो एक बराबर 365। हल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर यानी एक प्लस दो, दो एकम दो और एक्स का एक्स, दो एक्स बराबर 365। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या करेंगे सर, देखिए जब भी प्लस दे रखा है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं तो एक, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक, एक और एक दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस दो एक्स बराबर 365। अब 365 इधर है प्लस का, इधर जाएगा तो होगा माइनस का, यहाँ पे ध्यान दीजिए दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिख देता हूँ, तो यहाँ लिखेंगे दो एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस दो एक्स माइनस 365 बराबर शून्य। अब यहाँ इसके आगे क्या करना है, इसे मैं प्रॉपर रूप से यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे दो एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस दो एक्स माइनस 365 बराबर शून्य। यहाँ लिख दीजिए दो एक्स स्क्वायर का दो एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस दो एक्स माइनस 365 प्लस एक का प्लस एक बराबर शून्य। क्या क्या मैंने सिर्फ इसका स्थान बदला है, बाकी सारी चीज़ सेम है। देखिए पहले एक्स स्क्वायर होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसके रूप में मैं आपसे इसके लाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे दो एक्स स्क्वायर का दो एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स का दो एक्स माइनस का 365 प्लस का एक माइनस प्लस माइनस 365 में एक गया तो 364 बराबर शून्य। अब तो यह आ गया द्विघात समीकरण के रूप में, इसे क्या करना है, तीन इसे देखिए, यदि आप लोग ध्यान से देखो इसे, तो यहाँ पे भी दो एक्स स्क्वायर है, दो एक्स है, और यहाँ पे 364 है, ये तीनों संख्याएं दो से विभाजित हो रही है, दो से इसे विभाजित करेंगे तो हो जाएगा, दो से इसे विभाजित करेंगे दो से, तो किसी भी द्विघात समीकरण में यदि तीनों पद दो से विभाजित हो रहे हो तो उसे हम लोग विभाजित कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि इसे करने पर यह छोटा हो जाएगा, ठीक है, छोटा हो जाएगा तो और भी आसान हो, लिखेंगे कि समीकरण को दो से विभाजित करने पर दो एक्स को दो से विभाजित करेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर, दो एक्स को दो से विभाजित करेंगे तो बचेगा दो माइनस 364 को दो से विभाजित करेंगे तो दो एकम दो, दो अट्ठी सोलह, दो दूनी चार, 182 बराबर शून्य। यहाँ पे एक्स भी था तो एक्स, अब इसे क्या करना है, इसे गुणनखंड ज्ञात कीजिए, एक को 182 से गुणा करेंगे तो 182, ठीक है, यहाँ पे 182, यहाँ पे दो तो कट गया, x बचेगा सिर्फ, तो 182 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे, यहीं पे देखिए 182 दो का पावर दो नहीं मिटा रहे, दो एक दो सात से, सात एकदम सात, सात या 21, देखिए अब इसे कीजिए, सात दूनी 14 और 13, 14 यहाँ से बना और 13 का 13, 14 में से 13 को गुणा करेंगे तो 182 होगा, देखते हैं, 182 हो जाएगा, 182 यहाँ से सही है, 14 में से 13 को घटाएंगे तो बचेगा x, यानी जो संख्याएं होंगी वो होगी 14 और 13। यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x माइनस 182 बराबर शून्य। यहाँ पे प्लस क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 14 में से 13 जाएगा तो x, यानी एक बचेगा, इसे लिख करते हैं, अलग जोड़ा बनाएंगे इन दोनों से और इन दोनों से अलग जोड़ा बनाएंगे, देखिए यहाँ पे यहाँ से x निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x
और यहाँ पे है 2x, तो एक x निकल गया, x बचा माइनस 14 का 14, तो यहाँ पे -13 निकालिए, तो अंदर क्या बचेगा, x -14 बराबर 0। यहाँ से आया x -14 और फिर इधर से बचेगा x -13 बराबर का 0। एक बार x -14 को 0 के बराबर रखना है और एक बार x प्लस एक्स माइनस 13 को 0 के बराबर रखना है। क्या आएगा यहाँ से देखिए, x का मान यहाँ से आएगा प्लस का 14 और x का मान यहाँ से आएगा प्लस का 13। देखिए यहाँ पे हमें करना है कि प्रथम संख्या बतानी है और दूसरी संख्या बतानी है। यदि हम लोग प्रथम संख्या 14 मानते हैं तो दूसरी संख्या 14 और 1 15 होगी, तो 15 यहाँ पे है, x का मान से ही हम लोग को 2 मान ज्ञात हुआ है, 15 नहीं होगा। तो यदि हम लोग x का मान यहाँ पे 13 मानेंगे तो दूसरी संख्या 13 और 1 14, तो 2 मान हमारे ज्ञात हो गए यहाँ से। यदि पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या उसकी अगली 14 होगी, या फिर प्रश्न संख्या, अच्छा प्रश्न संख्या 5 दे रखा है, प्रश्न संख्या 5 को लगाइए। प्रश्न संख्या 5 दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 5। देखिए समकोण त्रिभुज बेसिकली होता क्या है, समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का है उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। मान लीजिए यह एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर ए, यह है बी और यह है सी, इसका बी कोण 90 डिग्री का है। जो 90 डिग्री का सामने वाला कोण होता है उसे बोलते हैं कर्ण, या फिर बोल सकते हो कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज का कर्ण कहलाती है, ठीक है। इसमें दे रखा है जो आधार है बी सी है, ए बी इसकी ऊंचाई है और कर्ण ए से सी है। हमें दे रखा है कि यदि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसकी ऊंचाई इससे कम है, इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं, इसके आधार को मान लेते हैं x, तो इससे 7 सेंटीमीटर कम, तो x -7 होगा, x में से 7 घटाएंगे तभी तो इसकी ऊंचाई ज्ञात होगी। कर्ण हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, लिख देना है, इसे लिखेंगे, माना कि त्रिभुज या फिर समकोण त्रिभुज का आधार हमने मान लिया x, तो ऊंचाई क्या हो जाए, x -7 यही तो होगी, उसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x में 7 को घटा दिए। अब दे रखा है कि तो इसका कर्ण है वो है 13 सेंटीमीटर, तो आपने एक पढ़ा होगा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का, या फिर इसे बोल सकते हो लंब, इसे लंब भी बोल सकते हो। तो जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे सूत्र पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय या फिर द्वारा लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर और ऊंचाई या फिर लंब के स्क्वायर के बराबर होता है।
तो कर्ण हमें क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर, आधार हमें क्या है x है, तो x का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर यानी x माइनस 7 का स्क्वायर, यही है। अब देखिए क्या करना है, 13 का स्क्वायर कीजिए, 13 का स्क्वायर क्या होगा 13, 169 बराबर x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर यानी ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 ए और बी, यहाँ से आगे यहाँ तक नज़र आ रहा है बच्चा? ठीक है, मैं इसे फिर से लिख देता हूँ, ये तो आप लोगों को फिगर समझ में आ गया, इसे मैं तो मिटा देता हूँ, ये तो समझ में आ ही गया होगा फिगर। यहाँ पे आया है हमारा 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आया है x माइनस 7 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 b, ए यानी x, b यानी 7, यहाँ तक क्लियर, यहाँ पे 7 होगा। अब यहाँ पे देखिए 169 का 169 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना स्क्वायर हो गया, 2x² प्लस 7 का स्क्वायर सती सती 49 माइनस 2 सती 14x, यहाँ से क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 169 का 169, यह जो प्लस में 49 है इसको इधर लेके आएंगे तो होगा माइनस का 49 बराबर 2x² माइनस का 14x, 169 में से 169 में से 49 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 में से 9 गया तो 0, 16 में से 4 गया तो 12, 120 बचेगा बराबर 2x² माइनस 14x। अब इसे क्या करते हैं हम लोग, द्विघात समीकरण के रूप में प्रॉपर जो मानक रूप होता है उसके रूप में ले देते हैं। यहाँ से लिखेंगे 2x² माइनस 14x या प्लस का 120 है, यहाँ इसके साथ हो जाएगा तो होगा माइनस का 120, क्योंकि बराबर के इधर तभी तो प्लस का है, इसके साथ होगा तो माइनस का 120 बराबर का 0। हमारा आ गया द्विघात समीकरण, अब इसे आप लोग हल कर लीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे देखिए तीनों है, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, यहाँ पे 2, 7 और 120, इन तो ये तीनों 2 का पहाड़ा में विभाजित होता है, तो इसे छोटा कर लेंगे, लिखेंगे समीकरण को 2 से भाग करने पर 2x² को 2 से भाग करेंगे तो x² माइनस 14x को 2 से भाग करेंगे तो 7x, 120 को 2 से भाग करेंगे तो 60 बराबर 0। अब क्या करना है, यहाँ पे है कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पे 7, 1 और 60 का गुणा करेंगे तो 60, 60 का गुणनखंड ज्ञात करना है, 60 का गुणनखंड करेंगे 2 से 30 आएगा, फिर 2 से 15 आएगा, फिर 3 से तो 5 आएगा, यानी 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 = 4 और 5 × 3 = 15, 15 × 4 = 60 तो हो जाएगा, लेकिन 15 और 15 में से 4 देगा तो 11, 15 में से 4 ढूंढेंगे तो 19, या तो नहीं हो रहा है, दूसरा बनाइए 5 × 2 = 10, 3 × 2 = 6, दूसरा बनाएंगे 5 × 2 = 10 और 3 × 2 = 6, 10 और 6 10 और 6 10 6 60 तो आ रहा है, लेकिन 10 में से 6 को जोड़ेंगे तो 16 और 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4, 7 नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे, तीन दूनी छः, 6 × 2 = 12 और 12 यहाँ से 5 ले लीजिए, 12 × 25 = 60, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7, यहाँ पे 12 और 5 को लेना है, x² माइनस 12x प्लस 5x बराबर
माइनस 160 बराबर शून्य। अब इसका जोड़ा बनाएंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पे है 12x, तो x निकल जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 12। इसी प्रकार यहाँ पे है 5x यानी 60, यहाँ से प्लस का 5 निकालेंगे तो बचेगा x माइनस 12 बराबर शून्य, क्योंकि 12 25 60 होता है। अब यहाँ पे आया x माइनस 12, x प्लस 5, तो x माइनस 12 बराबर शून्य, x प्लस 5 बराबर शून्य, x का मान आएगा प्लस का 12 और x का मान यहाँ से आएगा माइनस का 5। x के दो मान आए, x का मान 12 आया और x का मान माइनस 5 आया। तो बताइए किसी भी समकोण त्रिभुज का यहाँ पे आधार क्या होगा? दो मान आए हमारे x के, 12 भी आए हैं और 5 भी आए हैं, तो किसी भी समकोण त्रिभुज का आधार का मान 12 हो सकता है या फिर माइनस का 5 हो सकता है। माइनस का 5 क्या हो सकता है? किसी भी समकोण त्रिभुज का आधार क्या होगा? 12 तो ठीक है कि एक लाइन खींच रहे हैं जो 12 सेंटीमीटर की होगी, माइनस 5 सेंटीमीटर का लाइन कैसे खींचेंगे बताइए? किसी भी जो रेखा होती है या फिर किसी भी रेखा की लंबाई होती है एक से प्रारंभ, एक से भी ज़्यादा कम होती है, जैसे 0.1, 0.2 इतने तक हो सकती है, यानी शून्य से भी आगे होती है, या दे रखा माइनस का 5। किसी भी रेखा की लंबाई माइनस की 5 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे x का मान जो 12 आया है वो ही सत्य होगा, यानी आधार हमारा 12 होगा। यदि आधार 12 है तो 12 में से 7 घटाएंगे। तो कितना बचेगा? 5 सेंटीमीटर। तो हमारे आधार आए 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई आए इसका 5 सेंटीमीटर और कर्ण तो हमारा था ही 13 का स्क्वायर। या फॉर्मूला में आप रख के देखते हैं क्या यह फॉर्मूला या सूत्र के अनुसार सत्य है? देखिए जो प्रमेय के अनुसार रख के देखते हैं, प्रमेय के अनुसार सत्य है। कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर 169 दिया सही है, वो होता है आधार का स्क्वायर ऊंचाई, आधार हमारी आई है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और ऊंचाई हमारी रही 5, 144 और 5 का स्क्वायर 25, इसको जोड़ के देखिए 5 4 9 4 2 6 169 के बराबर आया। तो हमारा उत्तर इसके अनुसार बिल्कुल सत्य है। बढ़ते प्रश्न संख्या 6 में, प्रश्न संख्या 6 प्रश्न वाली 4.2 का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 दे रखा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है तो निर्माण की गई बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत याद कीजिए। कुछ नहीं है बच्चा, ये प्रश्न को देखकर आप लोग यह मत समझिएगा कि दे रखा है कि दुगने से 3 अधिक है, बर्तन किए गए संख्या दुगने से 3 अधिक है, कैसे करेंगे? देखिए कोई भी प्रश्न, इसके शब्द हो सकते हैं कि थोड़ा सा आप लोगों को कठिन लग रहे हो कि इस प्रकार के प्रश्न कैसे करेंगे, लेकिन जब उसको आप लोग हल करना प्रारंभ कीजिएगा तो यह प्रश्न काफ़ी सरल लगेगा। देखिए मैं करवा देता हूँ, उसे पहले इसे क्लियर कर लेता हूँ। दे रखा है कि एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है और यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस तीन गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। पहली संख्या दे रखी है, पहली चीज तो दे रखी है संख्या यानी बर्तनों की कुछ संख्या है, और दूसरी दे रखी है लागत। बस इसी में आप लोगों को खेल गया है, आप लोगों को संख्या अलग बतानी और लागत अलग है, ठीक है? तो संख्या है, यदि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है तो आगे दे रखी है कि जो उसकी लागत है ना वो उसके निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। दुगने से 3 अधिक का मतलब क्या हुआ? एक इस टाइप का प्रश्न वाली
4.1 में भी किया था। देखिए दुगने से एक अधिक है मतलब जैसे तीन, तीन के दुगने से एक है, तीन दुनी छः और छः से एक अधिक प्लस एक तो सात। यदि आपसे पूछा जाए कि पाँच के दुगने से एक अधिक क्या होगा, तो पाँच का दुगना यानी 10 से एक अधिक यानी 11 होगा। इसी प्रकार यदि संख्या x है तो लागत क्या होगी, इसके दो गुने यानी 2x से एक अधिक यानी प्लस एक। समझ गए, अब इसे लिख देते हैं प्रश्न में। लिखेंगे कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, माना कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर x है, तो लागत क्या होगी, तो लागत बराबर 2x प्लस, अच्छा यहाँ पे एक दे रखा था या तीन दे रखा था, से तीन अधिक दे रखा था ना, माफ कीजिएगा तीन अधिक है, तो यहाँ पे तीन जोड़ेंगे तीन। यदि यहाँ पे बोला जाए तीन से, तीन के दुगने से तीन अधिक है, छः तीन दुनी छः प्लस तीन नौ हो गया, पाँच के दुगने से तीन अधिक यानी पाँच दुनी दस प्लस तीन 13 हो जाएगा। मैंने पिछले प्रश्नावली के अनुसार एक मान लिया था, यहाँ पे तीन दे रखा है, तीन मानेंगे तो 2x प्लस 3 इसे कर ली। अब आगे दे रखा है कि कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्माण लागत होती क्या है, निर्माण लागत बर्तनों की कुल संख्या को कुल लागत से गुना कर दिया जाए तो वही होता है। मान लीजिए कि एक बर्तन की लागत 2 रुपये है, तो 10 बर्तन के क्या होगी, 20 रुपए। कैसे किया, 2 को 10 से गुना कर दिया, 10 दूनी 20 रुपए, एक बर्तन की लागत है 3 रुपए, तो 10 बर्तनों की 3 दें 30 रुपए। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत क्या होगी, 90 रुपए है, तो यहाँ पे होगी x 2x प्लस 3 बराबर 90। इसे करेंगे 2x को x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3 को x से गुना करेंगे 3x बराबर 90। 90 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। आगे अब यह द्विघात समीकरण को हल कर लेना है। द्विघात द्विघात समीकरण को यहाँ पे लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर का 0। देखिए यह दो से विभाजित हो रहा है, 2 है यहाँ पे, 3 है या 9 है, 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि 3 कभी भी 2 से विभाजित नहीं होता है, तो इसे हम लोग सीधा करेंगे, 9 को 90 को 2 से, 9 दूनी 18, 0 से 0 इसके गुणनखंड याद करते हैं, 2 18 0 का 0 फिर 2 से 45 फिर 3 से 3 एकम 3 3 पचे 15 फिर 3 से 3 पचे 15, तो इसके गुणनखंड करने पर आया 2 × 2 × 3 × 3 × 5। इससे हम एक ऐसी संख्या बनाएंगे जिसे इससे हम दो संख्या बनाएंगे इससे हम दो एक दो ऐसी संख्या बनाएंगे जिसे गुना करने पर तो 90 है लेकिन जोड़ने या घटाने पर 3 है। तो देखते हैं 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 3 बचे 15 यहाँ से बन गया, ठीक। 12 में से 15 घटाएंगे तो 3 और 12 में से 15 को पूरा करेंगे तो 90। 12 में से 15 को गुना करेंगे तो 90 तो सॉरी 180 लाना है, तो हाँ 12 में से 15 को गुना करेंगे तो 180, तो वही संख्या होगी 15x और 12x। यहाँ से लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए इसका एक अलग जोड़ा, इन दोनों का एक अलग जोड़ा बनाएंगे, कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर या 15x तो x निकल गया, अंदर बचा 2x प्लस 15, यहाँ पे है माइनस का 12x और
माइनस का 90, यहाँ पे निकाल लेते हैं माइनस का 6 बाहर, 22 का 6 बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा माइनस और माइनस प्लस, यानी 2x, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 6 का पहाड़ में 15, 6 का पहाड़ में 90, 15 बार में बराबर 0, 2x प्लस 15 एक बार आया है इसे लिख देंगे, एक बार आया है x माइनस 6 इसे लिख देंगे बराबर 0, एक बार इसे 0 के बराबर रखिए, दूसरी बार इसे 0 के बराबर रखेंगे, तो 2x प्लस 15 बराबर 0, x का मान क्या आ गया, ये प्लस का 15 इधर जाएगा तो माइनस का 15, x का मान होगा माइनस 15/2, माइनस 15/2 क्या होगा, 15 का आधा कितना होगा 7.5, वो भी माइनस का, इधर आएगा हमारा x माइनस 6 बराबर 0, माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6, x बराबर 6, तो x के दो मान आए माइनस 7.5 और यहाँ से आया है x का मान 6। अब बताइए जो हम लोग निर्माण किए गए बंधनों की संख्या माने हैं x, अब x का मान हम लोग 6 रखें या 7.5 रखें, ठीक क्या रखें बताइए, यदि हम लोग रखते हैं माइनस का 7.5 तो देखिए कोई भी निर्माण किए गए खिलौनों निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या ऋणात्मक हो सकती है क्या, ऋणात्मक हम बोल दें कि भाई मैंने माइनस 2 खिलौना बनाया है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका कोई मतलब नहीं हुआ बच्चा, माइनस 2 कोई खिलौना का संख्या ही नहीं हुआ, जो भी संख्या बनेगी वो 1 से प्रारंभ होगी, ठीक है ना, या फिर 0, 0 का मतलब तो समझ में आता है कि आपने 1 भी नहीं बनाया, माइनस ये कभी नहीं हो सकता, तो माइनस 7.5 तो होगा ही नहीं, इसका होगा 6, तो निर्माण के बर्तनों की संख्या आएगी 6, तो लागत क्या होगी, यहाँ पे 6 रख दीजिए x के जगह में, 2x के जगह में 6 रखे, 6 दूनी 12 और प्लस 3 12 और 3 15, यानी निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या 6 है तो इसकी लागत 15 है, क्लियर, चलिए तो प्रश्न वाले 4.2 में इतने ही प्रश्न हैं, आशा करता हूँ कि आप सभी को सभी प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ में आएंगे, यदि फिर भी इन प्रश्नों में किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट में जरूर कीजिएगा बच्चा, उन प्रश्नों का मैं आपको उत्तर दे दूंगा, तो धन्यवाद, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और हाँ अभी तक आप सभी ने भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी को क्या करना है, पहले आप सभी देखिए प्रश्न 4.3 में आप सभी को पूर्ण वर्ग विधि पढ़ना है, पूर्ण वर्ग विधि आप सभी पहले तो पढ़ के आइए, जिसके उदाहरण दे रखे हैं जिसका कंसेप्ट दे रखा है उसे तो पढ़ लीजिए, फिर मैं जब प्रश्नावली करवाऊंगा 4.3 तो और भी मज़ा आएगा प्रश्नों को करने में, ठीक है, तो उसे एक बार पढ़ लीजिएगा फिर मैं प्रश्नावली को करवाता हूँ, ठीक है, तो उसे पढ़ के ही वीडियो देखिएगा, अगला वीडियो उसे पढ़ के ही देखिएगा, धन्यवाद बच्चा, मिलते हैं अगले वीडियो में।